हेलो, वेलकम एवरीवन टू इंग्लिश विद ध्रुव चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश विद ध्रुव चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वोकैबुलरी पार्ट 3। आपने आई होप सो देख लिए होंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और आपको पता लग गया होगा कि ये जो वर्ड्स मैं आपको करवा रही हूँ, वोकैब करवा रही हूँ, ये कितने बेनिफिशियल हैं स्पोकन एज वेल एज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, आई होप सो आप इस सेशन को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और आने वाले बहुत सारे वीडियोस वोकैबुलरी को लेकर ही होंगी। और अपनी वोकैबुलरी को इसी तरीके से एनहेंस करते रहिए और सीखते रहिए इंग्लिश विद ध्रुव से। यस, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है एवियरी। इसका मतलब क्या होता है? जहाँ पक्षी पालन किया जाता है, प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट। हमेशा कोई ना कोई प्लेस बना हुआ होता है, जैसे हमारा प्लेस बना हुआ है रहने का, तो बर्ड्स को कैप्ट करने का भी प्लेस बना होता है, उसे बोलते हैं एवियरी। जैसे कि हम अब क्योंकि गर्मी के दिन आ चुके हैं, तो गर्मी के टाइम पे क्या होता है, हमें पक्षियों के लिए दाना रखना चाहिए, है ना। तो कोई प्रॉपर प्लेस जहाँ पर पक्षियों का पालन किया जाता है, उसे बोलते हैं एवियरी। इससे नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे होंगे एवियरिस्ट, जो पक्षी पालन करता है, वन हु कीप्स द बर्ड्स इन एवियरी, जो बर्ड्स को क्या करता है, एवियरी में रखता है, जो रखने वाला होता है वो क्या होता है, एवियरिस्ट, और जहाँ पर रखा जाता है वो होता है एवियरी। इससे नेक्स्ट एविकल्चर, एविकल्चर क्या होता है, पक्षी पालन, ठीक है, रेयरिंग ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वर्ड आप देख रहे हो, दैट इज रेयरिंग। रेयरिंग का मतलब होता है पालन करना, ठीक है। तो जब पक्षियों का जो पालन होता है उसे बोलते हैं एविकल्चर। एविसाइड, एविसाइड मतलब किलिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की हत्या, जो कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स दे आर आल्सो हैविंग सम लाइव्स इन देमसेल्फ ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पक्षियों को मार दिया जाए, ठीक है, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब पक्षी विज्ञान, स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ओमिथोलॉजिस्ट, पक्षी विज्ञान का अध्ययन करने वाला, वन हु स्टडीज बर्ड्स, जो बर्ड्स के बारे में पढ़ता है उन्हें बोलते हैं ओमिथोलॉजिस्ट। दिस इज ओर्निथोलॉजी एंड दिस इज ओर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। ओर्निथोलॉजिस्ट इज दैट पर्सन हु कीप्स द बर्ड्स और हु स्टडीज अबाउट द बर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर बर्ड्स के बारे में सारी बात हो रही है, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि क्योंकि गर्मी का टाइम आ चुका है, तो आप अपने अपने घरों में छत पर एक पानी का कोई ना कोई बर्तन जरूर रखें, क्योंकि गर्मी का टाइम है और पक्षियों को पानी की दाने की ज़रूरत होती है। सो प्लीज़ डू दैट, इट विल रियली बी अ बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। नेक्स्ट एविएशन, एविएशन का मतलब क्या होता है, एविएशन द डिज़ाइनिंग द बिल्डिंग द फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। एयरक्राफ्ट का जो भी डिज़ाइनिंग होती है, जैसे कपड़ों की डिज़ाइनिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं, डिज़ाइनर, है ना। जो मतलब लाइक बहुत ही अच्छा करता है, वो जहाँ पर वो बनाता है ये सब चीज़ें, लाइक अच्छी डिज़ाइनिंग करता है, वो क्या होता है, बुटीक। तो इसी तरीके से हवाई जहाज़ की भी या विमान की भी डिज़ाइनिंग होती है प्रॉपर, उसकी बिल्डिंग होती है और फ्लाइंग, इन सब को क्या बोलते हैं, एविएशन। और जो ये काम करता है, करने वाला, उसे बोला जाता है एविएटर। एविएटर इज अ पर्सन हु ड्राइव्स, हु इज अ पायलट, ठीक है, पायलट है जो, उसे बोलते हैं एविएटर। नेक्स्ट वर्ड वेरी नाइस, दैट इज ओविपेरस। ओविपेरस मीन्स द स्पीसीज दैट ले एग्स, जो एग्स ले करती हैं, जैसे कि हैं, ठीक है, जो अंडा दे, वो ही हमारे पास क्या होती हैं, उन स्पीसीज को बोला जाता है एविपेरस। नेक्स्ट विविपेरस, विविपेरस ऐसी स्पीसीज दैट गिव बर्थ टू द यंग वंस, जो यंग वंस को क्या करती हैं, बर्थ देती हैं, उन्हें बोला जाता है विविपेरस। अपायरी, अपायरी वेयर बीज आर रेयर्ड, जहाँ पे, देखो ये वर्ड बार बार आ रहा है, रेयर्ड, रेयर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी, जहाँ पर किसी का पालन पोषण किया जाए, ठीक है। अपायरी, अपायरी तो आप कह सकते हो आई वेंट टू सी अ अपायरी,
ओके देयर इज अ पारी नियर बाय माय होम, ठीक है, जहाँ पर मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, स्पेशली स्पेशल लोग पालते हैं। आपके घर में शहद कहाँ से आता है, हनी कहाँ से आता है? ऑफकोर्स लोग पालते हैं तभी आता है ना, ऐसे नहीं तो फिर कौन हाथ लगाने देता है मधुमक्खी के छत्ते को। नेक्स्ट है अपारिश। अपारिश उस पर्सन को बोलते हैं जो मधुमक्खी पालन करता है, वन हु रेयर्स द बीज, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है। एविएशन, एविएशन जो बिल्डिंग करेगा मीन्स जो बनाएगा डिज़ाइन, एविएटर जो चलाएगा, अविपेरिस जो अंडे देता है, ठीक है, विविपेरिस जो जन्म देता है, अपारी जो जहाँ पर मधुमक्खी का पालन होता है, बीज का पालन होता है, और अपारिस्ट वो पर्सन जो मधुमक्खी का क्या करता है, पालन करता है, ठीक है, पर्सन को बोला जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलो तो वेरी नाइस, दैट इज एपिकल्चर। एपिकल्चर मीन्स मधुमक्खी पालन, ठीक है, एपिकल्चर बोलते हैं इसे, ठीक है, पर्टिकुलर चीज को उसकी स्टडीज को बोलते हैं ना कुछ, तो इसी तरीके से एपिकल्चर वो होता है जिसमें मधुमक्खी को पालन किया जाता है। एपिसाइड मधुमक्खी की हत्या। देखो पिछला वर्ड आप देख रहे होंगे, पिछला वर्ड जब हमने देखा यहाँ पर दैट वॉज एविसाइड, यहाँ पर साइड की बात हो रही थी, तो ये रूट वर्ड है एक बहुत ही अच्छा, साइड, सी आई डी ई। जैसे ही सी आई डी ई आ गया मतलब किसी ने किसी की किलिंग है वहाँ पर, मोस्टली ऐसे होता है। तो ये वर्ड रूट वर्ड है एविसाइड, यानी कि पक्षियों की हत्या। इसी तरीके से एपिसाइड, एपिसाइड मतलब मधुमक्खी की हत्या, एपिसाइड, एपिसाइड मतलब मधुमक्खी की हत्या, किलिंग ऑफ बीज। नेक्स्ट है एफोरिज्म। एफोरिज्म क्या होता है? अ शॉर्ट फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस इन अ क्लेवर वे दैट इज ट्रू। जैसे कि कई बार क्या होता है, मैं अगर मतलब कोई पर्सन अच्छा नहीं लग रहा होता या किसी की बात हमारे को बुरी लग गई होती है, तो हम क्या कहते हैं, हम अगले बंदे को ये रियलाइज भी नहीं होने देना चाहते कि तूने गलत बोला, क्योंकि अगर बोल दिया तो पंगे बढ़ जाने हैं, है ना। लेकिन एट द सेम टाइम क्या है, उस पर्सन को हमने कहना भी है, तो हम ऐसे केस में क्या बोलते हैं, ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं अफोरिज्म। अफोरिज्म मतलब लाइक, जैसे कि अगर मान लो मुझे कहना है कि उसकी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मुझे उसको सीधा डायरेक्ट भी नहीं बोलना क्योंकि वो बुरा मान जाएगी, तो आप उसको बोल सकते हो, जैसे आप बोलते भी होगे आई थिंक, यार तू बहुत अच्छी लग रही है पर तुझे ये नहीं करना चाहिए था, है ना। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको बोला जाता है अफोरिज्म। आप सुक्ति मीन्स लाइक आप किसी को शॉर्ट में बोल रहे हो अपनी फीलिंग, लेकिन जो क्या है सच्चाई है, लेकिन अगले वाले बंदे को पता नहीं लग रहा, हम बड़ी चलाकी से बोल रहे हैं उनसे। नेक्स्ट है एब्ड्यूरेसी। इसका मतलब होता है जिद, द क्वालिटी ऑफ बींग अनमूव्ड बाय द पर्सुएशन, मतलब लाइक जिद। जैसे कि पर्सुएशन का मतलब क्या होता है, पर्सुएशन मतलब जारी रखना, ठीक है। तो जब हम क्या है जी अपनी जिद को जारी रखते हैं, उसे बोला जाता है एब्ड्यूरेसी। एब्ड्यूरेसी द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनमूव्ड बाय द पर्सुएशन, मतलब लाइक कि भी मतलब लगातार लगे ही हुआ है, और फिर उसके बाद क्या है जी हमें रिजल्ट मिलता है, मतलब हम जिद्दी हैं, हमें चाहे कुछ मर्जी हो जाए लेकिन फिर भी हम लगे हों, तब हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्ड्यूरेसी, ठीक है। नेक्स्ट है पॉडियाट्रिस्ट। पॉडियाट्रिस्ट वो होता है पर्सन जो क्या होता है जी पैरों का डॉक्टर होता है, उसे बोला जाता है पॉडियाट्रिस्ट। कायरोपोडिस्ट, कायरोपोडिस्ट यानी कि पैरों का डॉक्टर, ठीक है। पहले हम यूज़ करते थे कायरोपोडिस्ट, और अब हम जो यूज़ करते हैं मोस्टली यूज़ करते हैं पॉडियाट्रिस्ट, ठीक है। अ पर्सन हु ट्रीट्स द फीट एंड देयर एलमेंट्स। यहाँ पर एक नया वर्ड दिख रहा होगा आपको, एलमेंट्स। एलमेंट्स का मतलब है कि उसमें मतलब लाइक जो भी हमारे को दिक्कत आ रही है उस चीज़ के बारे में बताता है, उस चीज़ की प्रिकॉशंस बताता है, ठीक है। नेक्स्ट शायवली। इसका मतलब क्या होता है, स्त्रियों के प्रति पुरुषों का सम्मानजनक व नम्र आचरण। पोलाइट एंड काइंड बिहेवियर बाय द मैन विच शोज रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द वीमेन, लाइक एक ऐसा
मतलब लाइक बिहेवियर, क्योंकि क्या होता है गर्ल्स मोस्टली ऐसा ही एक्सपेक्ट करती है ना कि भी मतलब पर्सन ऐसा होना चाहिए, मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए जो मतलब रिस्पेक्ट करे. तो जो वो काइंड बिहेवियर होता है ना, तो हम यूज़ कर सकते हैं उनके लिए शाइवरी. जैसे कि माई हस्बैंड इज़ शाइवरी, इससे पता लग जाएगा कि क्या है वो पोलाइट है, रिस्पेक्ट करता है मेरी. इतने सारे वर्ड्स बोलने की बजाय आप सिंपल एक ही वर्ड यूज़ करो, शाइवरी. नेक्स्ट ब्रेजनेस. ब्रेजनेस मतलब अनड्यू ब्रेवरी, मतलब इतनी हिम्मत. जैसे कि मतलब काम गलत कर रहे हैं लेकिन बेधड़क, कि मतलब मैं तो गलत काम करूंगा ही करूंगा. तो बेधड़क जो काम, जो अनड्यू ब्रेवरी होती है, उसे बोला जाता है ब्रेजनेस. नेक्स्ट डच करेज. डच करेज इट्स रियली अ फनी वर्ड. अ फीलिंग ऑफ करेज दैट अ पर्सन गेट्स फ्रॉम ड्रिंकिंग एल्कोहल. ठीक है, कहते हैं ना शराब पी के, दारू पी के ही ज़्यादा बातें आती हैं, है ना, ज़्यादा हिम्मत आ जाती है. तो वो हिम्मत जो होती है उसे बोला जाता है डच करेज. एक ऐसा करेज, ऐसी हिम्मत जो कब आती है, सिर्फ दारू पी के ही आती है. ठीक है, वैसे हाँ जनरली होता है, कईयों की कमजोरी होती है, कईयों की ताकत भी होती है. नेक्स्ट है ब्रेवेडो. ब्रेवेडो का मतलब क्या होता है, झूठी वीरता, फाल्स ब्रेवरी. जैसे कहते हैं ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा, मतलब होना कुछ नहीं. तो जो ऐसे फालतू की बहादुरी दिखाए उसे बोला जाता है ब्रेवेडो. नेक्स्ट है सिनिकल. सिनिकल वन हु थिंक्स ऑल आर सेल्फिश. कोई एक ऐसा पर्सन जो ये सोचता है सारे के सारे सेल्फिश ही हैं, कोई भी अपना नहीं है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है, सिनिकल. ही इज अ सिनिकल पर्सन. डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी अ सिनिकल पर्सन. ठीक है, कि मतलब जो जिसे सब सब यही लगता है कि भी मतलब सब सेल्फिश हैं, सबके सब सिर्फ काम के लिए बात करते हैं. नेक्स्ट है मेटिकुलस. ये बहुत ही अच्छा एडजेक्टिव है जो यूज होता है मोस्टली, बहुत सारे एसएससी एग्जाम्स में देखने को मिला है. मेटिकुलस. मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, वेरी केयरफुल. जब हम बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हों अपने फ्यूचर को लेकर, तो वी कैन से लाइक बी मेटिकुलस टुवर्ड्स योर फ्यूचर. ओके, आई एम रियली मेटिकुलस टुवर्ड्स माई फ्यूचर. तो मेटिकुलस इज रियली अ गुड वर्ड. इसका मतलब क्या होता है कि मतलब ज़्यादा ही केयरफुल. तो रिपीट करते हैं, हम सेंटेंसेस के थ्रू इसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं. ही इज़ अ शाइवरी पर्सन. ठीक है, हाउ डेयर ही टू बी अ ब्रेजनेस. ठीक है, डच करेज. ही ऑलवेज हैव द डच करेज आफ्टर ड्रिंकिंग द एल्कोहल एट नाइट. या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, ही ऑलवेज हैव डच करेज एट नाइट. ब्रेवेडो. ही ऑलवेज टॉक्स इन अ ब्रेवेडो. नेक्स्ट सीनिकल. डोंट मेक मी सीनिकल. मेटिकुलस. आई एम रियली अ मेटिकुलस पर्सन वेन एवर इट कम्स टू माई करेक्टर. जब भी मेरे करेक्टर की बात आती है, मैं तो बहुत सावधान रहती हूँ, वेरी केयरफुल रहती हूँ. ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस आप भी बनाने की कोशिश कीजिए. अगर आप सीधे इन वर्ड्स को याद करोगे तो आपको याद नहीं होंगे, लेकिन हाँ अगर आप सेंटेंसेस के थ्रू बनाओगे तो आपको ये वर्ड्स ऐसे याद हो जाएंगे. आगे चलते हैं हम अपने वर्ड की तरफ. दैट इज विर्चुअस. विर्चुअस. विर्चुअस का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ गुडनेस. जी हाँ, ये भी एडजेक्टिव है. जो पर्सन क्या है, अच्छाई से भरा ही हुआ है, उसमें गुण ही गुण है, तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है विर्चुअस. नेक्स्ट इज विर्चुओसो. मीन्स लाइक नाउन. नाउन यानी कि डेक्स्ट्रस. जो पर्सन डेक्स्ट्रस है, निपुण है, एक्सपर्ट है, अडेप्ट है, डेफ्ट पर्सन है, स्किलफुल है. ये मैंने पिछले वाले में भी करवाया था, लेकिन उसमें डेक्स्ट्रस वर्ड था. अब एक नया वर्ड और सीखो, दैट इज विर्चुओसो. मीन्स लाइक एक ऐसा नाउन जो क्या है, मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है. नेक्स्ट मैग्नैनिमस. मैग्नैनिमस मीन्स लाइक काइंड एंड जेनरस. जो पर्सन बहुत ही काइंड है, बहुत ही ज़्यादा जनरस. काइंड एंड जनरस बोलने की बजाय आप अगर अच्छा वर्ड यूज़ करोगे मैग्नैनिमस, तो ऑफ कोर्स सामने वाला पूछेगा सॉरी व्हाट इज दिस, तो आप उस टाइम पे बताओगे तो यू विल फील प्राउड. तो इसीलिए मैग्नैनिमस वर्ड यूज़ करना चाहिए. एक ऐसा पर्सन जो बहुत दयालु हो, बहुत ही ज़्यादा जेनरस हो. जैसे कि ही इज़ अ मैग्नैनिमस पर्सन. ही इज़ अ विर्चुअस पर्सन. और अगर मैं विर्चुअस की बात करूँ, ही इज़ फुल ऑफ विर्चुअस क्वालिटीज़. ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास प्यूसालिनिमस, प्यूसालिनिमस ठीक है, डरपोक, टिमिड, कोवार्डली, चिकन हार्टेड. चिकन हार्टेड इज माई फेवरेट वर्ड. ओके, चिकन हार्टेड मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ. चिकन हार्टेड मीन्स लाइक एक ऐसा पर्सन जो डरपोक है, ठीक है, जिसके मतलब लाइक कोई भी बात कर दो पहले डर चालू है, ये कैसे होगा, है ना. तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है चिकन हार्टेड. नेक्स्ट है हमारे पास इनडिफरेंट. इनडिफरेंट मीन्स नॉट इंटरेस्टेड. जैसे कि नॉट इंटरेस्टेड बोलने की बजाय ये बोलो ना, आई एम इनडिफरेंट इन मेकिंग द आर्ट एक्टिविटीज, आई एम इनडिफरेंट अबाउट प्रिपेरिंग फॉर आइल्स, आई एम रियली इनडिफरेंट व्हेन एवर इट कम्स टू डांस. ओके, कि मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता जब भी मैं डांस करती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं बात, ठीक है. तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं इनडिफरेंट. नेक्स्ट बरी द हैचेट. बरी द हैचेट मीन्स लाइक एंड अ क्वॉल और मेक अ पीस, यानी कि झगड़ा खत्म करना और शांति बनाए रखना. जैसे बोलते हैं ना कि बस करो बस करो, बहुत शांति बनाए रखो, तो ऐसी सिचुएशन में बोला जाता है बरी द हैचेट, ठीक है. तो हम इन वर्ड्स की सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है. वह बहुत ही अच्छाइयों से भरा हुआ है, ही इज़ अ वर्चुअस पर्सन. वह जो है बहुत ही ज़्यादा कुशल है, ही इज़ वर्चुअस पर्सन. मैग्नानिमस, ही इज़ रियली अ मैग्नानिमस पर्सन. नेक्स्ट प्यूसालिनिमस, इसका मतलब होता है डरपोक, ठीक है. डोंट यहाँ पर इस तरीके से बर्ताव मत करो, इसको मैं बना रही हूँ, ठीक है. डोंट शो लाइक यू आर अ प्यूसालिनिमस. नेक्स्ट इनडिफरेंट. इनडिफरेंट मीन्स नॉट इंटरेस्टेड. क्या आप इंग्लिश नहीं सीखना चाहते हो, इसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है? डोंट यू आरंट यू इनडिफरेंट इन लर्निंग इंग्लिश. नेक्स्ट बरी द हैचेट. बरी द हैचेट मीन्स एंड अ क्वल और मेक अ पील. ओके, इनफ नाउ, लेट्स बरी द हैचेट. ओके, नेक्स्ट इस टाइप से आप सेंटेंसेस बनाओ, याद हो जाएंगे आपको एक सेकंड में. इससे नेक्स्ट बात करते हैं हम बीट द एयर. वेरी नाइस, दैट इज निष्फल कोशिश करना. देखो इन दोनों का मतलब सेम है, बीट द एयर और फ्लॉग दैट हॉर्स, ठीक है. दोनों का मतलब क्या है कि बेकार ऐसे ही मेहनत करना. इससे नेक्स्ट भी आपको दिख रहा है प्लो द सैंड्स. प्लो द सैंड्स मतलब लाइक ऐसे बेकार की मेहनत करना. तो निष्फल मीन्स लाइक कुछ ऐसा करना जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. टू वेस्ट वन एफर्ट, यानी कि कुछ ऐसा करना जो जिसके एफर्ट की उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है. टू वेस्ट वंस एफर्ट, इसका मतलब भी क्या है, सेम. तो ये तीनों में से कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हो. ये तीनों इसलिए डाले गए हैं क्योंकि फ्रेजल वर्ब है, कौन सी भी कहीं भी आ सकती है SSC HSSC में. सो बीट द एयर मीन्स लाइक कोई फ़ायदा नहीं है करने का, ठीक है. यू आर जस्ट बीटिंग द एयर, यू विल नॉट गेट नथिंग. तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, बीट द एयर कर रहे हो, बेकार कोशिश कर रहे हो. यू विल गेट नथिंग, यू आर जस्ट फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स. यू विल गेट नथिंग, यू आर जस्ट फ्लॉगिंग द सैंड्स, ठीक है. इस तरीके से सेंटेंसेस बनाइए. नेक्स्ट बिल्ड कासल्स इन द एयर. कासल्स इन द एयर का मतलब क्या होता है, टू मेक अनरियलिस्टिक प्लान, कि ऐसे प्लान बनाना जो क्या होते हैं, अनरियलिस्टिक होते हैं. मीन्स उनका कोई रियलिटी से कुछ लेना देना ही नहीं है. जैसे अगर मान लो मैंने कहा मैं रानी बनूंगी, अरे भाई कहाँ की रानी बनूंगी, कोई है लेना देना अब रानी राजा से, कुछ भी लेना देना नहीं है. इसी तरीके से मैंने कहा कि एक दिन मैं आसमान में उड़ जाऊंगी, अरे ये तो मतलब लाइक ऐसी बातें हैं जो कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकती. हवाई किले हैं, आपके पास हो 10 रुपये और आप बात करो कि भी मैं रिबॉक के शोरूम में जाके शूज़ खरीदूंगा, तो इट्स रियली मींस लाइक ऑकवर्ड. यू आर जस्ट मेकिंग द कासल्स इन द एयर. नेक्स्ट ब्रिंग टू द बुक. ब्रिंग टू बुक मीन्स टू पनिश समवन और मेक समवन एक्सप्लेन हिज बिहेवियर पब्लिकली. मतलब पूरे सभी के सामने कि हाँ सभी के सामने आ जा, बता मेरे को कि ये तेरी गलती है या नहीं. तो जब सभी के सामने हम किसी को पनिश करते हैं या फिर उसे एक्सप्लेन करवाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में बोला जाता है ब्रिंग टू बुक. नेक्स्ट
इन गुड बुक्स और इन अ बैड बुक्स. गुड बुक्स मतलब लाइक किसी के पक्ष में होना. जैसे कि मान लो मैंने कहा ही इज इन माई गुड बुक्स, मतलब लाइक कल को अगर मान लो मेरे को कोई काम कहता है तो मैं कर लूँगी, है ना. बट ही इज़ इन माई बैड बुक्स. जैसे होता है ना कई बार किसी से लड़ाई हो जाती है तो उसका कोई काम होता है तो हम कहते हैं उसका काम तो मैं कभी ना करूँ. मीन्स लाइक ही इज़ इन माई बैड बुक्स. जो अच्छे में अच्छे टर्म में आपके साथ यू विल यूज़ इन अ गुड बुक्स, बट जो आपके साथ अच्छे टर्म में नहीं है यू विल यूज़ इन अ बैड बुक्स. नेक्स्ट हाइटस. हाइटस मतलब अ पॉज, ठीक है. जैसे कहते हैं ना टेक अ पॉज, यू कैन से लाइक टेक अ हाइटस. ओके, कितना अच्छा वर्ड है ना. जब किसी को कहा जाए पॉज, रुक जाओ, ठीक है, किसी को अंतराल के लिए बोला जाए कि थोड़ा रेस्ट कर लो, देन यू कैन यूज द वर्ड हाइटस. नेक्स्ट हॉब्सन्स चॉइस. हॉब्सन्स चॉइस का मतलब क्या होता है, चॉइस ऑफ टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल और नथिंग एट ऑल. जैसे कि अब कई बार आप मूवी देखने के लिए जाते होगे, तो मूवी देखने के लिए गए तो उस टाइम पर जो मूवी आपने देखनी थी उसका शो ही नहीं चल रहा, तो अब आपके पास चॉइस क्या है, या तो कोई दूसरी मूवी देख लो, है ना, जिसका शो चल रहा है, या फिर ना ही देखो. तो यही ये हमारे पास क्या है, नाउ वी आर लेफ्ट विद द हॉब्सन्स चॉइस. यानी कि जो चल रहा है, जो है उसको एक्सेप्ट कर लो, या फिर रहने दो, ना करो, कुछ भी नहीं चाहिए. या तो मतलब लाइक जो है वो उसमें खुश रहो, या फिर कुछ भी ना लो. आपके पास वो चॉइस नहीं है जो आप चाहते हो. तो दिस इज हॉब्सन्स चॉइस. ओके, नेक्स्ट में एक दो सेंटेंसेस. वह मेरी अच्छी मतलब बुक्स में है. ही इज़ रियली क्लोज टू मी, आई एम इन फेवर ऑफ हिम. यू कैन यूज़ ही इज़ इन माई गुड बुक्स. जिसको आप नहीं काम बनना देना चाहते, ही इज़ इन बैड बुक्स. हाइटस, टेक अ हाइटस. ओके, वेन एवर वी गो टू वॉच द मूवी देन देयर इज अ हाइटस इन बिटवीन. हाइटस होता है, अंतराल होता है. हॉब्सन्स चॉइस. नाउ इट्स योर, नाउ इट्स हॉब्सन्स चॉइस वेदर यू वांट टू सी द मूवी और नॉट. ठीक है, हॉब्सन्स चॉइस. तो ये हम सेंटेंसेस कर सकते हैं. तो इसी के साथ आपने बहुत सारे वर्ड सीख लिए, फ्रेजेस सीख लिए, आइडियम सीख लिए. तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आने वाले टाइम में आने वाली हैं. सो स्टे कनेक्टेड. एंड इफ़ यू हैवंट वॉच्ड माय फर्स्ट एंड द सेकंड वीडियो, प्लीज़ गो अहेड एंड जस्ट क्लिक ओवर इट. एंड प्लीज़ डू स्टडी एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.